नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान कांग्रेस से। दरअसल गहलोत मंत्रिमंडल में हाल ही में बड़े फेरबदल हुए। गहलोत मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुए उसके बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के बीच जुबानी जंग दिखती नजर आ रही है। हालांकि एक बार फिर अशोक गहलोत ने खुलकर सचिन पायलट के खिलाफ आवाज बुलंद की है। एक बार फिर सचिन पायलट ने खुलकर जो है अशोक गहलोत के खिलाफ बात की। तो यहाँ पर दोनों तरफ से जुबानी जंग दिखती नजर आ रही है, लेकिन गहलोत का मनमाना रवैया अभी तक नहीं सुधरा है। गहलोत लगातार जिस तरह सचिन पायलट पर निशाना साध रहे हैं, जिस तरह सचिन पायलट को घेरते नजर आ रहे हैं, इससे बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि सचिन पायलट के समर्थक अब गहलोत से नाराज हो चुके हैं। सचिन पायलट के समर्थकों का साफ तौर पर यह कहना है कि अशोक गहलोत को अब सुधर जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में खुद कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी है जो ये कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट को बड़े स्तर पर जिम्मेदारियां दी जाए। तो यहां पर सचिन पायलट को बड़ा मौका दिए जाने की बात की जा रही है। सचिन पायलट को बड़ा मौका दिया जाना यानी कि बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में चीजें बदलती नजर आएंगी। हालांकि अब देखा जाए कि 2023 में जो राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या उस चुनाव से पहले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के लिए खड़ा किया जाएगा। बहुत बड़े हद तक कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से संकेत मिल चुके हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन गहलोत अभी भी जो है वो अपनी बात पर अड़े हैं और सचिन पायलट के आड़े आते नजर आ रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।